नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। पंजाब के संगरूर में दोपहर को एक स्कूल वैन में आग लग गई। हादसे में 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। हादसे में 8 बच्चों को बचा लिया गया है। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वैन में 12 बच्चे सवार थे। आग इतनी भयानक थी कि पूरी वैन जलकर खाक हो गई है। पुलिस ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद वैन बच्चों को लेकर लोंगोवाल की तरफ जा रही थी। रास्ते में गांव कहर सिंह के पास वैन में अचानक आग लग गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि वैन में सवार सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच की है। आग लगने के कारण घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की जगह पर DC और ASP संगरूर है। हादसे में सभी घायल बच्चों को अस्पताल भर्ती किया गया है। रिपोर्ट अखबार जगत।